Now we'll study about the anatomy of the cockroach. Anatomy is the internal structure. तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके ये सारे सिस्टम्स आते हैं विच यू कैन सी एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस दिस ऑल कम्स इन द एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच सो वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल तो आई स्टार्ट विद द डायग्राम This is the head of the cockroach. After head, इसका prothorax start होता है Head के अंदर ही as I told you कि head के edge पे mouth present होता है तो mouth से start होता है buccal chamber and buccal chamber से आता है यहाँ पे pharynx. Pharynx के बाद this is the esophagus. It is somewhat broad. Then comes the crop and gizzard. This is the crop. This is pharynx. This is esophagus. This is the crop and here is gizzard. Okay. Gizzard के यहाँ पे काफी सारे filaments present होते हैं. These are the hepatic cheekae. These are the hepatic cheekae. यहाँ foregut खत्म होता है. एंड यहाँ से मिडगट स्टार्ट हुआ मिडगट काफी थिन होता है एंड इट गोज लाइक दिस इट कॉइल्स मिडगट के खत्म होने पे दिस इज द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आई टेल यू व्हाट इज फोरगट मिडगट हाइंडगट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम हाइंडगट यहाँ पे यहाँ से हाइंडगट स्टार्ट होता है इट इज लाइक दिस This is how a cockroach looks like. ये इसका tenth segment और anal circa है. ये जो midgut और hindgut का junction है यहाँ पे भी काफी सारे thin filaments present होते हैं These are the malpighian tubules. So let's start with the labeling. This is pharynx. Pharynx ke niche is esophagus. This is crop. And this is gizzard. Foregut सबसे बड़ा होता है. ये चारों पोर्शन आते हैं इन द फोरगट ये ब्लू कलर ट्यूब्यूल्स यू कैन सी आर द हेपेटिक सीके दिस इज द मिडगट मिडगट को हम मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं मिडगट एंड्स हेयर और मिडगट के एंड पे और हाइंडगट की स्टार्टिंग में दैट इज मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ये ब्लू कलर के ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं दीज आर द मालपिजन ट्यूब्यूल्स दिस इज द इलियम पोर्शन कोलन रेक्टम And here is the anus. तो ये तीनों पोर्शन आते हैं हाइंडगट में तो ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम
कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. नंबर वन इज फोरगट, नंबर टू इज मिडगट एंड नंबर थ्री इज हाइंडगट. फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ये सबसे पहला पोर्शन. फोर मिड इज मिडिल पोर्शन एंड हाइंड इज द लास्ट पोर्शन एज यू कैन सी. सो फोरगट में प्रेजेंट होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द फोरगट इन डिटेल. फोरगट में होता है बकल फ्रेमवर्क, देन फैरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड. ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच का हेड वाला पोर्शन होता है, हेड पोर्शन में माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो माउथ पार्ट लीड्स टू द बकल चेम्बर. उसने कॉकरोच ने कुछ खाया, बकल चेम्बर में जाता है. बकल चेम्बर के बाद जब हेड के खत्म होते ही थोरैक्स की स्टार्टिंग में यहाँ पे फैरिंग्स इज प्रेजेंट. तो फैरिंग्स आता है, फैरिंग्स के बाद खाना गोज इनटू द इसोफेगस, ये छोटा सा पोर्शन जो आपको दिख रहा है. इसके बाद इट गोज इनटू द क्रॉप एंड देन इनटू द गिजर्ड. ओके, सो जो क्रॉप एंड गिजर्ड होते हैं, क्रॉप सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसका. फोरगट ही पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा सिस्टम होता है. तो बकल चेम्बर से फूड जाता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद इसोफेगस में, इसोफेगस के बाद क्रॉप में एंड क्रॉप के बाद गिजर्ड में. क्रॉप का जो काम होता है, क्रॉप इज यूज फॉर स्टोरिंग फूड एंड गिजर्ड इज मस्कुलर, प्रोवाइडेड विद सिक्स क्यूटिक्यूलर टीथ. That help in grinding the food. So foregut के अंदर ये पांच चीजें होती हैं. Crop is used for storing food. Gizzard is used for grinding food. And buccal chamber से खाना ये passage की तरह act करते हैं, जो कि crop और gizzard तक खाने को पहुंचाते हैं. Okay. Now next portion is the midgut. A valve is present between foregut and midgut. फोरगट और मिडगट के बीच एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन्स एंड क्लोजेस अकॉर्डिंग टू द फूड विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द मिडगट. तो उसी के अकॉर्डिंग इट ओपन्स. वॉल्व्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. तो एक बार जब फूड मिडगट में आ जाता है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं, सो दैट की फूड पीछे फोरगट में वापस ना जा सके. तो अ वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट. It is lined by पूरा का पूरा foregut, midgut is lined by the glandular epithelium glandular endoderm. And one more thing, यहां जहां foregut खत्म हो रहा है and जहां पे midgut start हो रहा है, यहां पे you can see this blue colored portion, it is the hepatic cheek. हेपेटिक सीके प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे. दीज आर द 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स
एंड हेप्टिक सीके का काम होता है टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दो तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम कॉकरोच के अंदर सिक्रीट होते हैं. वन इज द एमाइलेज एंड अनदर इज द जाइमेज. सो मिडगट में फोरगट एंड मिडगट के बीच एक वॉल प्रेजेंट होता है. होल ऑफ द मिडगट इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंडोडर्म. जो फोरगट होता है फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल और जो मिडगट होता है इट इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंडोडर्म. हेप्टिक सीके प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना. और कॉकरोच के अंदर से दो तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं. वन इज द माइलेज एंड अनदर इज द जाइमेज. नाउ नेक्स्ट कम्स द हाइंड गट द लास्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हाइंडगट के तीन पोर्शंस होते हैं इलियम कोलॉन एंड रेक्टम. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोरगट और मिडगट के बीच हेपेटिक सीके प्रेजेंट होते हैं. एट द सेम वे मिडगट और हाइंडगट के बीच में मालफिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. Present between midgut and hindgut. Malpighian tubules का function होता है excretion में. So they are not of the digestive importance. इनका काम सिर्फ और सिर्फ excretion में होता है. And जो इसका rectum होती है, rectum is lined by six rectal papillae which help in absorption of salt and water. Rectum also opens to anus and absorption of digested food occurs in midgut. So hindgut के तीन portions होते हैं ileum, colon and rectum. Malpighian tubules का function होता है excretion में. जो rectum होती है, rectum is the largest portion of the hindgut. तो rectum is lined by six rectal papillae. Papillae का function होता है absorption of salt and water. Rectum open करती है through anus. एनस से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं एंड जो एब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टेड फूड का इट अकर्स इन द मिडगट. सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट में जैसा कि मैंने आपको बताया फारिंग्स एसोफेगस बकल चेम्बर क्रॉप एंड गिजर्ड. क्रॉप का फंक्शन होता है स्टोरिंग फूड. गिजर्ड का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स. फिर उसके बाद हेपेटिक सीके प्रेजेंट होते हैं. देन आफ्टर दैट फूड गोज इनटू द मिडगट. मिडगट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम. वहां पे सर्टेन एंजाइम्स हेपेटिक सीके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है. तो यूजुअली मिडगट के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है. फिर वहां उसके बाद Malpighian tubules are present between midgut and hindgut. So Malpighian tubules का काम होता है excretion का. वो क्या करता है कि वो blood से जितने भी excretory substances होते हैं उनको absorb कर लेता है. उनको ileum और colon और rectum के through
एनस से बाहर निकाल देता है. रेक्टम के अंदर 6 रेक्टल पैपिले प्रेजेंट होते हैं जो कि उस वेस्ट से सॉल्ट और वाटर और बाकी ऑर्गेनिक मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रेक्टम ओपन्स टू एनस, फाइनली एनस के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर चला जाता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच. दिस वी कंप्लीट इट्स एलिमेंट्री कैनाल.